केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल केलांचल टाइम्स पे और मैं हूँ आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर, जहाँ जिले के अमरापाड़ा प्रखंड के बासमती पंचायत अंतर्गत पोचई बेड़ा के आदिवासी युवा क्लब की ओर से आयोजित 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व जिला अध्यक्ष पाकुड़ से राजमहल विधानसभा प्रभारी बाबूधन मुर्मू शामिल हुए। भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू ने फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच का शुभारंभ किया, फुटबॉल को किक मारकर किया। वही फाइनल मैच FC ढेला बगान और FC डूमर घट्टी के बीच खेला गया। टूर्नामेंट में फाइनल विजेता FC डूमर घट्टी टीम रही। वही टूर्नामेंट के फाइनल विजेता टीम को 50,000 और उपविजेता को 40,000 दिए गए। सेमीफाइनल खेलने वाली टीम को 10,000 रुपए दिए गए। टूर्नामेंट के अवसर पर आदिवासी नृत्य का भी आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू भी झूमते दिखे। मौके पर ग्राम प्रधान अमीन किस्कू, क्लब के अध्यक्ष रविंद्र किस्कू, सचिव बोमेश हेम्ब्रम, कोषाध्यक्ष राजेंद्र सोरेन सहित अन्य फुटबॉल क्लब के सदस्य मौजूद थे। खबर पाकुड़ से है, जो स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के अवसर पर कालिकापुर स्थित स्वामी विवेकानंद के आदमकद प्रतिमा पर शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष पंकज कुमार साह की अध्यक्षता में माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सह राजमहल विधानसभा प्रभारी बाबूधन मुर्मू, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुग्रहित प्रसाद साह, जिला उपाध्यक्ष हिसावी रॉय, भाजपा नेत्री साबरी पाल, पार्वती देवी, पूर्व नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिवेदी उपस्थित थे। माल्यार्पण के उपरांत भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध विचारों में से ऐसा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। विवेकानंद के आदर्श जीवन से हर युवा प्रेरणा ले सकता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जीवन और विचारों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मौके पर भाजपा के युवा मोर्चा जिला महामंत्री रविशंकर झा, नगर उपाध्यक्ष पीका पटेल, नगर मंत्री प्राची चौधरी, किसान मोर्चा के नेता विक्रम कुमार मिश्रा, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष रतन भगत, ओबीसी मोर्चा नगर अध्यक्ष अभिक दास, तुलसी वर्धन, संजीव कुमार, अमित कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। पाकुड़ में झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव के आदेश अनुसार बच्चों के स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिटी बचाओ बच्चा बुलाओ कार्यक्रम के तहत जिले भर में सरकारी विद्यालयों में रैली निकाली गई। शिक्षक, वार्ड सदस्य और गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने बच्चों के साथ सीटी बजाते हुए गांव का भ्रमण किया। सीटी की आवाज सुनते ही गांव के लोग और बच्चों का आना जाना प्रारंभ हुआ और सभी गांव के लोगों को यह संदेश दिया गया कि अभी भी जिस बच्चे का उम्र 5 वर्ष से ज्यादा हो गया है उसका विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। जो बच्चे विद्यालय नहीं आते हैं वो प्रत्येक दिन विद्यालय आए। इस कार्यक्रम में गांव में एक अलग ही वातावरण का निर्माण हुआ और गांव मोहल्ले में इस सीटी बजाओ बच्चे बुलाओ कार्यक्रम को देखकर गांव में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मौके पर मोहम्मद केताबुल शेख, मोहम्मद सुफियान शेख, सेराजुल शेख, सैनमोल शेख, नसीमा खातून, मोहम्मद रियाजुद्दीन शेख सहित अन्य मौजूद थे। पाकुड़ में स्थानीय विद्यालय DAV पब्लिक स्कूल के परिसर में शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय के सभा भवन में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर विश्वदीप चक्रवर्ती और रामकृष्ण सारदा सेवाश्रम के सदस्यगण और वरीय शिक्षकों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद मेहमानों ने स्वामी विवेकानंद के तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया। तो वहीं इस अवसर पर विद्यालय के ननिहालों द्वारा भजन की प्रस्तुति दी गई। बच्चों को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर विश्वदीप चक्रवर्ती ने बताया कि युवा दिवस 2024 का थीम इट्स ऑल इन द माइंड है। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम है जिसे किसी भी प्रकार के परिचय की आवश्यकता नहीं है। वे एक प्रभावशाली व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म के बारे में जागरूक किया है। उन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो की धर्म संसद में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। उनके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1984 को अंतरराष्ट्रीय वर्ष युवा घोषित किया।
पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कुसमा फाटक स्थित चेक पोस्ट कर्मी से मारपीट और गाली गलौज करने के आरोप में पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। चौकीदार हाबुल राजवंशी के बयान पर पुलिस ने थाने में कांड संख्या 11/24 धारा 342, 223, 307, 353, 504, 504, 506, 34 भावदी के तहत प्राथमिकी अभियुक्त रहसपुर निवासी सद्दाम शेख और साहिबगंज जिला के कोटल पोखर निवासी सुनील कुमार शाह को गिरफ्तार कर मंडल कारा पाकुड़ भेजा है। चौकीदार ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि वर्तमान कुसमा फाटक स्थित चेक पोस्ट में ड्यूटी पर प्रतिनियुक्त हूं। दिनांक 12 जनवरी की रात्रि मजिस्ट्रेट रेजराउल कारिम के साथ चेक पोस्ट में ड्यूटी पर तैनात था। करीब सुबह 4:05 के बीच में हाईवे ट्रक विकमपुर की ओर से तेजी से आ रहा था, जिसमें पत्थर लोड था। उक्त 5 हाईवे ट्रकों को मैं और मजिस्ट्रेट रेजराउल कारिम के द्वारा रोकने का इशारा किया गया, तो वाहन चालक द्वारा तेजी से वाहन को चढ़ाकर हम लोगों के ऊपर वाहन को चढ़ाने की कोशिश करते हुए भागने लगे। भागने के क्रम में एक हाईवा ट्रक को रोक लिया गया। लदे खनिज से संबंधित परिवहन चालन की मांग की गई, तो वाहन चालक द्वारा ट्रक को रोककर वहां से भाग गए। हम लोग हाईवा ट्रक नंबर प्लेट देखा तो वाहन का रजिस्ट्रेशन अंकित था। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रयास से बेंगलुरु अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव पाकुड़ में होने जा रहा है। इस ट्रेन के ठहराव से पाकुड़ जिले वासियों और राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लोगों को दक्षिण भारत जाने के लिए महत्वपूर्ण साधन बन गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी अमृत भारत एक्सप्रेस के परिचालन से पाकुड़ जैसे पिछड़े और आदिवासी बाहुल क्षेत्र की जनता को न केवल सस्ती और परिष्कृत रेल सुविधा का लाभ मिलेगा, बल्कि अंत्योदय की परिकल्पना साकार होगी। अमृत भारत ट्रेन के पाकुड़ में ठहराव को लेकर 14 जनवरी को सुबह 9:00 पाकुड़ रेलवे स्टेशन में होने वाले भव्य समारोह में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी शामिल होंगे। उपरोक्त आशय की जानकारी भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। मानसी, ये खबर जरा सुनिए, जो तूने किया वो तो नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महागामा नगर इकाई के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के पावन अवसर पर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता सह संगोष्ठी का आयोजन विभिन्न विद्यालयों और कोचिंग संस्थानों में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला संयोजक सुमित कुमार की उपस्थिति रही। वहीं उपस्थित महागामा के नगर मंत्री सुमित मंडल ने कार्यक्रम के बाद कहा कि परिषद द्वारा नगर के सभी विद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों में विवेकानंद जी के जीवन पर निबंध प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर युवा वर्ग में खासी हर्ष दिखाई दी है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है विवेकानंद जी के विचार को घर घर, गांव गांव, कैंपस कैंपस तक ले जाना है। वहीं आपको बता दें कि नगर सह मंत्री निशांत कुमार ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आज एमपी आदर्श विद्यालय महागामा और ब्राइट कोचिंग सेंटर में पुरस्कार वितरण का समारोह किया गया। एमपी आदर्श स्कूल में प्रथम पुरस्कार आयुष कुमार, द्वितीय पुरस्कार इस्माइल अंसारी, तृतीय पुरस्कार प्रेम सिंह ने प्राप्त किया है और साथ ही ब्राइट कोचिंग सेंटर में प्रथम पुरस्कार रिया रानी, द्वितीय पुरस्कार पीयूष कुमार जयसवाल और तृतीय पुरस्कार आकांक्षा कुमारी ने प्राप्त किया। इसी के साथ पुरस्कार वितरण समारोह में नगर अध्यक्ष अशोक चौधरी, नगर सहमंत्री धर्मेंद्र कुमार, शिक्षक रंजीत कुमार, प्लस टू कार्य प्रमुख सूरज कुमार, कोचिंग प्रमुख दीपशिखा कुमारी सहित अन्य अभाव्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसी के साथ अपने राज्यों के खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे आपका अपना चैनल केलांचल टाइम्स। स्टॉप कर दे। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।